Hi everyone, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलें हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूंग गुड आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि एडमिशन कैंसिल कैसे होगा एडमिशन कैंसलेशन प्रोसेस क्या है तो देखो हुआ क्या है अभी यहाँ पर यूजी की फर्स्ट काउंसलिंग हो गई है पीजी की काउंसलिंग फोर्थ से स्टार्ट होने वाली है काफी सारे लोग जो है उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हम अभी एडमिशन ले लेते हैं मान लो और हमें अपनी एडमिशन जो है वो कैंसिल करानी है तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा क्या हमारी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि जो भी होते हैं, एक और चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी मत भूलना बहुत जल्दी उस पर भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और मैं इसी चैनल पर फोरेंसिक साइंस के वीडियोज भी डालती हूँ सो इफ यू आर अ फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स तो आप सब्सक्राइब जरूर करना चलो हमारा मेन आज ये है कि भाई हम अपना एडमिशन कैसे कैंसिल करवाएं ठीक है सबके दिमाग में ये चलता है कि क्या हमको फीस वापस आपका भी होगा, आपकी भी रिफंड कर दी जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन इसका प्रोसेस क्या है प्रोसीजर क्या है ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है तो देखो इसका सिंपल सा प्रोसेस है सबसे पहली बात तो आपने एडमिशन लिया ठीक है आपका एडमिशन हो गया एडमिशन इज डन एडमिशन हो गया अब आपको कैंसिल कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक लिखनी होगी एप्लीकेशन ठीक है एक आप लिखोगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन का पैटर्न अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कैसे लिखनी है एप्लीकेशन लिखोगे वो आप सबमिट करोगे सेंट्रल ऑफिस में ठीक है सेंट्रल ऑफिस जो है वो मेन ऑफिस है यूनिवर्सिटी का सेंट्रल ऑफिस में एडमिशन सेल में जाके आप ये सबमिट करोगे ठीक है तीसरा स्टेप हो गया अब अगर आपको आप अपने एचओडी को दे दो एचओडी को भी देना पड़ेगा एचओडी को भी सबमिट करोगे एचओडी के साथ साथ आप डीन को सबमिट करोगे आपका जो डीन है वहां सबमिट करोगे तो ये प्रोसेस आप करोगे सबमिट करोगे इसके बाद में आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या होगा एडमिशन कैंसलेशन के साथ साथ देखो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भी लगानी होंगी क्यों क्योंकि आपके पैसे भी तो आएंगे फीस रिफंड भी तो आएगी तो पूरी अकाउंट डिटेल्स आपका जो आपने फीस पेमेंट करा है उसका रिसिप्ट रिसिप्ट के साथ में आपकी पासबुक की फोटो कौपी.

फी रिफंड भी होती है और पूरी की पूरी फी रिफंड होती है ठीक है फी रिफंड होती है पूरी की पूरी होती है लेकिन मेरी आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है जो भी बच्चे एडमिशन कैंसिल कराने का सोच रहे हो तो प्लीज आप सभी लोग जल्दी कैंसिल करा लीजिएगा क्योंकि क्या होगा जब आप अभी कैंसिल कराओगे तो वो सीट खाली हो जाएगी सीट खाली होगी तो आपके पीछे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं एडमिशन लेने के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की तो प्लीज़ आप उनका सोच के थोड़ा सा जल्दी एडमिशन कैंसिल कराना जिससे कि इन बच्चों के लिए सेकेंड काउंसलिंग कराई जाए फिर थर्ड काउंसलिंग कराई जाए और इन काउंसलिंग में उन बच्चों को आपकी सीट दे दी जाए सो इफ यू आर नॉट श्योर इफ़ यू आर लाइक इफ यू वॉन्ट टू कैंसिल योर एडमिशन तो टाइम पे करा लो लेट मत कराना ऐसा मत करना कि फोर्थ काउंसलिंग हो गई उसके बाद में अपना कैंसिल करा रहे हैं, तो आपकी सीट आपका एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन क्या होगा वो सीट वेस्ट चली जाएगी एक बहुत ही एक एक बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उस सीट की है ना उसको बहुत ज्यादा जरूरत है उस सीट की तो प्लीज आप लोग है ना दूसरों का भी सोचते हुए अपना एडमिशन अगर आप कैंसिल करा रहे हो तो प्लीज टाइम से कराइएगा किसी दूसरे का भला हो जाएगा ठीक है ये चीज ध्यान रखना अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है तो वो देख लो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट और ये मैंने नहीं बनाया है ये यूनिवर्सिटी ने खुद अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस तो आपको डेट मेंशन करनी है टू द डायरेक्टर अकेडमिक अफेयर डायरेक्टर के लिए आप यहाँ पे है अकेडमिक अफेयर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर ये और यहाँ पिन कोड मध्य प्रदेश थ्रू देखो क्रिस के थ्रू आ रही डीन स्कूल ऑफ जो भी आपका स्कूल है वो और फिर हेड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मान लो आप किस डिपार्टमेंट के हो uh, बायो ठीक है मतलब जूलॉजी मान लो जूलॉजी डिपार्टमेंट के हो बायो डिपार्टमेंट कुछ नहीं है जूलॉजी डिपार्टमेंट है जूलॉजी सब्जेक्ट क्या है एडमिशन कैंसिलेशन एंड रिफंड ऑफ फीस फॉर द सेशन ये है अब नाउ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय हैंड इन द ऑफिस ऑफ डीन और द डेट ऑफ पोस्टल डिस्पैच अगर आपने अच्छा पोस्ट करा हुआ है इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पोस्ट भी कर सकते हो तो आपको वो डेट मेंशन करनी जब आपने ये इसको पोस्ट करा है अगर ये आपने यहां पर वही जाके जिस दिन सबमिट कर रहे हो ऑफिस में तो उस दिन की डेट मान लो आज है आपका फर्स्ट सेप्टेंबर ठीक है और आप ये फॉर्म पांच तारीख को सबमिट कर रहे हो तो आप पांच तारीख की ही डेट डालोगे फर्स्ट नहीं डालोगे पांच तारीख की डेट डालोगे या आप बाहर से भेज रहे हो तो आप पांच को भेज रहे हो वहां से डिस्पैच कर रहे हो तो आप पांच सेप्टेंबर ही डालोगे ठीक है अब यहाँ लिखा है मैडम सर आई हैव टेकन एडमिशन इन क्लास बी एस सी बी एस सी जूलॉजी फीस एस पर रूल ऑफ यूजीसी यूजीसी के रूल के हिसाब से कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट फी रिसिप्ट आपने फी किस दिन भरी मान लो बाईस को एडमिशन हुआ था आपने चौबीस को भरी है डेटेड ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट ओरिजिनल ज एनक्लोज हेयर विथ आपको यहाँ पे ओरिजिनल फी रिसिप्ट यहां पे लगा देनी है इसके साथ में अटैच कर देनी है आई अंडरटेक आई है अभी तक कोई भी फी आपको वापस नहीं मिली है और ना ही आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करी है थैंक यू यूर सब फेथफुली आप यहाँ पे अपना एक्स वाइज एड नाम डाल दोगे अपना एड्रेस अपना ई मेल एड्रेस आपका कॉन्टेक्ट नंबर अभी यहाँ डालनी होगी बैंक डिटेल्स ठीक है बैंक अकाउंट नंबर नेम ऑफ दी बैंक ब्रांच आई एफ एस सी कोड ठीक है यहाँ पे उन्होंने पासबुक की फोटो कॉपी नहीं मांगी है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिटेल्स मांग लिए हैं तो आप अपने खुद का अकाउंट देना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ पे बता दूं आप अपना खुद का अकाउंट देना जो आपके नाम से है ऐसा नहीं करना मम्मी का पापा का चाचा का किसी का लगा दू तो पैसे वापस नहीं आएंगे ध्यान रखना अपना खुद का अकाउंट देना है आपको ठीक है ये चीज समझ में आ गई अब यहाँ पे ये आपके लिए आपके काम का नहीं है ये भी फॉर ऑफिस यूज है ये आपके काम का नहीं है तो ये इसको आप प्रिंट निकलवा के इसको फिल करोगे और इसी पैटर्न में आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है ठीक है आपको ये सबमिट करना होगा सेंट्रल ऑफिस में जाके यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना होगा ठीक है ये चीज समझ में आ गई तो इस तरीके से आप अपना एडमिशन आराम से कैंसिल करा सकते हो जो भी बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है कि मुझे नहीं लेना या आपका कहीं और हो गया है यूनिवर्सिटी आपका सेकेंड ऑप्शन था तो आप लोग ऐसा कर सकते हो इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है ठीक है एडमिशन कैंसिलेशन से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड या डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो आपको इसी चैनल पर सारे अपडेट्स मिलते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ ही में आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी से भी हो और आप फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं यहाँ पर लेक्चर्स लेती हूँ और सारे अपडेट देती हूँ एक बार मेरा चैनल जाके विजिट जरूर करना तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो एक बार कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.